सिक्स लेड एसिड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल्स ईच ऑफ ई एम एफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015 ओम आर जॉइंट इन सीरीज टू प्रोवाइड ए सप्लाई टू ए रेजिस्टेंस ऑफ 8.5 ओम। सिचुएशन समझो क्या हो रहा है, इसमें 6 बैटरीज हैं, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ई एम एफ है, इस तरह से 6 बैटरीज हैं टोटल, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ये करंट दे रही हैं। सबका ई एम एफ अगर ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ई एम एफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो कितनी करंट फ्लो होगी। तो करंट जो फ्लो होगी, तो 6 बैटरीज हैं तो नेट ई एम एफ 6 ई हो जाएगा, सब एक दूसरे के सपोर्ट में, और नेट रेजिस्टेंस आर प्लस 6 r हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है बैटरीज का, तो ये नेट करंट हो जाएगी। व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज, इस पूरी सप्लाई का टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। तो पूरी सप्लाई का टर्मिनल वोल्टेज वही होगा जो कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस और ये पूरे के पूरे सेल का ये सेटअप और ये रेजिस्टेंस आपस में किस में पैरेलल में, तो जो पोटेंशियल इस सेल के सिस्टम के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। तो चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो डिस्चार्जिंग स्टेट में ई माइनस आई आर, और उसमें मल्टीप्लाई कर लो 6 से, या फिर आप पोटेंशियल डिफरेंस को सिंपली आई इंटू आर लिख लो, दोनों से आंसर सेम आएगा, आप खुद से चेक कर सकते हो। करंट निकालो, या तो आप ऊपर से देखो तो एक सेल के अक्रॉस ईएमएफ कितना होगा ई माइनस आई आर, तो 6 के 6 के अक्रॉस कितना हो जाएगा ई माइनस आई आर इंटू 6, यहाँ से भी आंसर वही आएगा जो कि यहाँ से आंसर आएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आई आर। तो चाहे आप ये सॉल्व कर लो या ये सॉल्व कर लो, आपको दोनों के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज आपको मिल जाएगा। करंट कैसे निकालेंगे, तो करंट का ये फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब बी पार्ट, ए सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 1.9 वोल्ट एंड ए लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 380 ओम। एक कोई सेकेंडरी सेल है और उसमें उसका काफ़ी ज़्यादा काफ़ी टाइम से उसको आप उसको यूज़ कर रहे हो, उसके अक्रॉस ईएमएफ ड्रॉप हो गया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ गया है, तो पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल, सेल से मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी करंट ड्रॉ कर सकते हो। तो कोई भी सेल अगर है और कोई पूछे सेल से मैक्सिमम कितनी करंट आप ले सकते हो, तो आप सेल के दोनों टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर दो बिना किसी रेजिस्टेंस के, तो इस टाइम जो करंट आ रहा होगा वो मैक्सिमम करंट होता है। ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और मैक्सिमम करंट जो आएगा वो हो जाएगा ई अपॉन आर, क्योंकि अगर आपने कोई और रेजिस्टेंस लगा दिया तो डेफिनेटली करंट कम हो जाएगा, तो ये होगा आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट। कितना हो सकता है, कितना आएगा, ये 1.9 वोल्ट का सेल है और 380 ओम का रेजिस्टेंस है, तो पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, यहां से डिवाइड करेंगे 200 टाइम्स, तो ये आपका आ जाएगा 0.005 एम्पियर। ये मैक्सिमम करंट जो है वो ड्रॉ करेगा, सेल से मैक्सिमम करंट इतनी ड्रॉ होगी। ठीक, पूछ क्या रहे हैं, कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ ए कार, कार की जो स्टार्टिंग मोटर होती है उसको स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है, लार्ज करंट की ज़रूरत होती है, ठीक है, और इतनी कम करंट 0.005 एम्पियर उसको स्टार्ट नहीं कर पाएगी। तो इसमें आपको स्टेटमेंट लिख देना, सिंस ए लार्ज करंट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोटर ऑफ ए कार, सो द सेल कैन नॉट यूज टू स्टार्ट ए मोटर।